हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड दिस इज़ अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज़ मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज़ गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. आ जाइए. ए हेल्प. अगर बहुत आसान भाषा में आपको कहूं मैं कि दिस इज अ प्रोग्राम जहां पे ग्राउंड लेवल पे आपके पास में यू विल फाइंड कम्युनिटी बेस्ड वुमेन एक्टिविस्ट जो कि सरकार की स्कीम्स को फार्मर्स तक अप्लाई करने में हेल्प करेगी. राइट. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. PCS में इस हिसाब से आएगा ये कि कौन कौन सी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, है ना, उस तरीके से आएगा. मेन्स के अंदर भी इसका सवाल बन सकता है. राइट. कि ऑन वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा. तो इफ़ यू कैन सी योर डॉक्यूमेंट. क्यों ये कॉन्टेक्स्ट में, क्यों ये न्यूज़ में आया, इज़ बिकॉज कि अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ गुजरात में ये अप्लाई हुआ था. एंड गुजरात इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ये अप्लाई हुआ है. बाय द वे यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश. Then UT of Jammu and Kashmir, right? और जो इससे बिल्कुल लास्ट में हो, दैट वॉज इन उत्तराखंड. राइट. उत्तराखंड के टाइम पे भी अच्छी खासी कवरेज में आई थी. तो जोन सी सरकार के अराउंड इलेक्शन चल रहे होते हैं उनकी स्कीम्स न्यूज़ में आनी शुरू हो जाती हैं. राइट. डजेंट मीन वो इम्पॉर्टेंट है. इस तरीके से न्यूज़ धोखा देती है आपको, तो हमें केयरफुल होकर न्यूज़ पेपर्स वगैरह पढ़ने होते हैं. इफ यू रीड दिस सेकंड स्टेटमेंट, सो व्हाट इज ए हेल्प. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी आपको फुल फॉर्म ऊपर दी हुई है. एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन. ठीक है. तो प्राइमरी सेक्टर स्कीम है और पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है. तो PCS के अंदर, एग्रीकल्चरल स्टेट के अंदर प्राइमरी सेक्टर के जो क्वेश्चन हैं वो आने बनते हैं, है ना. तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. और इंडिया खुद भी एक एग्रीकल्चरल स्टेट है. ऑल ओवर इंडिया प्राइमरी सेक्टर में वी हैव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट. तो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये. सो व्हाट इज ए हेल्प. दे आर अ कम्युनिटी बेस्ड वुमेन एक्टिविस्ट जो कि आपको वेट्स को आपके असिस्ट करेंगे. ऑल्सो जो आपके फार्मर्स हैं, क्योंकि फार्मर्स आपको पता है कि आप में से कई लोगों के बैकग्राउंड होंगे, तो फार्मर्स कितने ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं इन टेकिंग लोन्स या फिर ऑफिशियल चीज़ों को करने के लिए. दीज आर दी पीपल हु विल असिस्ट फार्मर्स इन टेकिंग लोन्स, क्रेडिट और उसको एक्सेस करने में. दिस इज़ द पोर्टल जो कि सरकार और ग्रासरूट के बीच में जो आपको मिलेगा, दैट इज़ दिस वन. राइट. फिल आउट एप्लीकेशंस, ईयर टैगिंग. और ये इनएफ पोर्टल, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर है, ये इनएफ INAPH है. PH, इनएफ, करेक्ट कर लो इसको. INAPH डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? कितनों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है? एक्स्ट्रा पढ़ा है के पीछे कहीं पे?
वो आया था ना एक, आई थिंक 2020 में या 19 में नारा आया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, दो सुर बने हमारा, गुड। तो आप लोग भी मिला लो सुर और साथ साथ बैठ जाओ, इतने में भी आ जाएगा डॉक्यूमेंट। आपके पास है वहाँ पे? ठीक है। सो दिस इज इनएफ पोर्टल, इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ। सो हम देखिए, स्कीम्स तो हम बहुत सारी बनाते हैं फार्मर्स के लिए और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के लिए, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए, रेयरिंग के लिए। वो परकुलेट कैसे होंगी इफ योर फार्मर इज नॉट अवेयर? सो रादर देन अवेयरिंग द फार्मर्स, क्यों ना हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें, एक नया स्ट्रेटा बना दें, है ना, एम्प्लॉयज़ का, जो कि फार्मर्स के साथ में इन टच रहेंगे, कनेक्शन में रहेंगे, राइट? सो ये वही काम करने वाला है। सो इसके साथ में जो एक और चीज़ एक्टिव होती है, दैट इज़ योर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, है ना। इसके बारे में हमने आई थिंक पहले भी पढ़ा हुआ है, हम एक बार फिर देखते हैं इसको कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या चीज़ है। बेसिकली ये इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स, बोवाइन इज जो चरते हैं जानवर, इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स, हमारी अपने देश की लोकल जो ब्रीड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये एक मिशन है, राइट? बाय द वे, इफ यू कैन राइट अ स्टैट ऑल्सो दैट डेयरी, लिख लीजिए, इज द लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी इन इंडिया। डेयरी इज द लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी इन इंडिया। और जरा डेयरी का स्पेलिंग ठीक लिखना, ये आपके डायरी और डेयरी में फर्क होता है, ठीक है? ऐसे ही ना मार्क्स कटा लेना वहां पे अपने, एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है कई बार ये बेसिक चीज देख के। जैसे आई वॉज रीडिंग, आप लोगों में तो नहीं है पर सम अदर आंसर्स, तो वहां पे नथिंग एट ऑल को नथिंग ATOL लिखा हुआ था, है ना, एट ऑल की जगह टोल लिखा हुआ है। सो एक दो के मैंने स्पेलिंग्स भी चेक, वो सही करें, बड़े वाले में कोई इशू नहीं होता, जैसे मेंटेनेंस में कोई इशू नहीं है, है ना, मेंटेनेंस की स्पेलिंग हर किसी को नहीं आते, लेकिन ये छोटे मोटे का ध्यान रखना है हमने, डायरी और डेयरी में फ़र्क होता है। क्या लिखे हैं? DAIRY, बिंगो। श्योर, इसी के साथ में नीचे आप डैश डाल के लिख लीजिए, contributes 5% to the national economy. Second sub point, employs 80 million dairy farmers directly. अब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा सैंपल साइज हो, राइट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का चंक हो, तो इस टाइप के प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट हो ही जाएंगे, खासकर ऐसी कंट्री में जो कि विच इज सोशलिस्ट इन नेचर, जहां पे सरकार का काम है लोगों का भला करना, है ना। सरकार इज नॉट मेयरली ए स्पेक्टेटर, सरकार एक्टिवली पार्ट लेती है लोगों के भले में। एक और फैक्ट यहीं पे लिख लो, आई थिंक यह भी आपको काम आएगा मेंस में, अगर इस टाइप की चीज़ें आप मेंशन करते हो, योर आंसर विल बी वे मोर अट्रैक्टिव दैट वे। 70% ऑफ द वर्क इन्वॉल्व्ड इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, किसी पेज पे लिख लो फिर उसको स्टेपल कर लेना ना। क्या लिखा हमने? लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज अंडरटेकन बाय विमेन,
70% of the work involved in livestock farming is undertaken by women. देखिए ये कुछ ऐसे स्टैट्स हैं, इनको याद रखने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको, ठीक है, कि 5% नेशनल इकॉनमी डेयरी फार्मिंग से आ रही है, राइट, और आपके 8 करोड़ डायरेक्टली एम्प्लॉयड है इसके अंदर, 70% वीमेन है इसके अंदर. बट जब आप ये आंसर्स में मेंशन करते हो ना, चाहे इंट्रो में चाहे आउट्रो में, इंट्रो में मेंशन कर दिया तो उसको पता लग जाएगा कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आउट्रो में मेंशन कर दिया तो दिमाग पे एक अलग सा ही प्रभाव रह जाता है, राइट. जो जो आपके दोस्त हैं, वैसे पता नहीं आप हो आपस में दोस्त या नहीं, है ना, कैसी दोस्ती है तुम्हारी, आई डोंट नो, पर एक दूसरे के आंसर्स पढ़ के देख सकते हो आप, उनको क्या कमेंट आया है ना, उनको क्या सजेशन आया है. क्योंकि मेरे पास जब आप 20-25 सैंपल आता है आंसर्स का, तो एट द एंड ऑफ दैट एक्सरसाइज व्हेन आई रीड ईच वन ऑफ देम, मेरा खुद का आंसर भी चेंज होता है, राइट, बिकॉज आप सब कुछ कुछ अलग अलग एलिमेंट्स उसमें ऐड करते, तो यू कैन ऑल्सो सी कि आप आसपास वाला आपका कैसे आंसर लिख रहे हैं, थोड़ा सा सिनर्जी में आ जाओ. वही वाली बात, मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना, कर लो उसकी ट्यूनिंग, कर लो अपने अपने साज मिला लो साथ साथ, राइट. ए हेल्प के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द फर्स्ट वन, जहां पे दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, राइट, और इनका एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नाउ दिस इज द पॉइंट जो कि PCS जहाँ पे सवाल पूछेगा और UPSC भी सवाल पूछेगा, क्योंकि इसमें दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, दूसरे वाली का नहीं पता लगता, या तो आप दोनों में कन्फ्यूज रहोगे कि दोनों में से कौन सी है, तो या फिर कोई अगर तीसरी वो डाल देगा, ट्राइबल अफेयर्स डाल देगा, है ना, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टाइप कुछ डाल देगा इसके अंदर, राइट, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री है एंड डेयरिंग, राइट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये आई थिंक फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है वो ऑलरेडी मैंशनड है वहाँ पे. लेट्स सी समथिंग अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन. ठीक है जी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो नोडल एजेंसी है, दैट इज ओनली सिंगल वन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. क्या काम है इसका? इट इज डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन को अंडरलाइन कर लो, दीज आर द की वर्ड्स. व्हेन वी से डेवलपमेंट, इसका मतलब हम लोग ब्रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन के बारे में. एंड कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ? कि हम उनको वेटनरी जो हेल्प है, सपोर्ट है, वो प्रोवाइड करेंगे. इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट गिवन है. तो जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है तो इसको खासकर ध्यान में रखना होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, व्हाट डज इट एक्चुअली मींस. राइट, इफ यू कैन सी द ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो सेकंड लास्ट एंड लास्ट पॉइंट है उसमें ये चीज जस्टिफाई हो रही है जो मैं आपको अभी बता रहा था, टू एनहेंस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्ट्रेंथनिंग ब्रीडिंग नेटवर्क. सेकंड पेज पे है ये फर्स्ट पॉइंट, एंड डिलीवरिंग दीज सर्विसेज एट फार्मर्स डोर स्टेप. प्रिंट से दो कम है, कितने रहते हैं? रेज ऑफ हैंड्स. टू कॉपीज. सो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो अदर देन, मतलब डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन करनी है तो कैसे करनी है? आप फार्मर्स के पास जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स जो फार्मर्स को खुद भी करनी पड़ेंगी. आप उनको एनेबल करते हो, सपोर्ट प्रोवाइड करते हो. सो लेट अस राइट डाउन व्हाट एल्स इज इंक्लूडेड इन राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ताकि आपको एलिमिनेशन में आसानी हो. PCS के अंदर ऐसा ही सवाल आएगा, UPSC के अंदर ऐसा ही सवाल आएगा, राइट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट
राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऐसे करके सवाल आएगा. सो जो जो मेन पॉइंट्स है जिनके ऊपर घुमाया जा सकता है, आई विल जस्ट डिक्टेट दैट. अंडर आरजीएम, ये अब पॉइंट्स में लिखते हैं, शॉर्ट में करके लिखना. देर इज अ स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडी सब्सिडी के बैकग्राउंड में 50% 50% सब्सिडी है ऑन काउ स्लैश बफेलो स्लैश पिग चिकन गोट. ब्रीडिंग फार्म्स, गोट ब्रीडिंग फार्म्स एंड साइलेज मेकिंग, SILAGE, चारा. फॉडर क्रॉप्स होती है ना, उनको अलग से लगा देते हैं, जो खास सिर्फ और सिर्फ चारे के लिए काम में आती है, उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स एंड साइलेज मेकिंग यूनिट्स. तो इनके लिए सब्सिडी मिलेगी 50% की, राइट. तो ये भी आरजीएम के अंडर ही है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर. स्कीम फोकसेस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट आएगी दैट राष्ट्रीय गोकुल मिशन एम्फसाइजेज और फोकसेज ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो वो स्टेटमेंट ट्रू होएगी, राइट. और वैसे भी आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट देर इज अ पैराडॉक्स इन एग्रीकल्चर इन प्राइमरी सेक्टर, है ना. तो जब भी आपने एग्रीकल्चर को या प्राइमरी सेक्टर को व्यू करना है तो हमेशा उस पैराडॉक्स के साथ में करना है, कि अगर वहाँ पे किसी फार्मर की बम्पर प्रोडक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, फसल बहुत ज़्यादा आ गई, तो प्राइस कम हो जाता है, फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, है ना. मार्केट इस तरीके से प्ले करती है, ज़्यादा सप्लाई में सामान आएगा तो उसके प्राइस कम हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है. ऑन दी अदर हैंड फार्मर की प्रोडक्शन कम होगी, फसल ख़राब होगी, फिर फार्मर का नुकसान है, राइट. तो दिस इज़ द पैराडॉक्स इन एग्रीकल्चर, कि देर इज़ नो सिचुएशन जहाँ पे फार्मर का एब्सोल्यूट सेंस में फ़ायदा हो जाएगा. दैट इज़ वाई वी नीड सच मिशंस, राइट. इसके अदर सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स हैं कि ये ना कुछ अवार्ड्स प्रेजेंट करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में हल्का से ब्रीफ में डिस्कशन करी थी. सर्टेन अवार्ड्स, सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स में लिख लीजिए आप अवार्ड्स. इसमें सिर्फ दो तीन चीजें कंफ्यूजिंग है जिसकी वजह से मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूं कि अवार्ड्स किस तरीके से. नंबर वन इज गोपाल रत्न अवार्ड. This is awarded, या इसे कॉलन डाल लीजिए, टू फार्मर्स विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस. वो फार्मर जो बेस्ट हर्ड मैनेजमेंट करेगा उसको ये अवार्ड मिलता है, गोपाल रत्न अवार्ड फॉर फार्मर्स. फार्मर्स को अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज जो नेक्स्ट अवार्ड है हमारा दैट इज कामधेनु अवार्ड, दैट इज फॉर द इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट एनजीओज एंड गौशालाज, राइट. तो इस वजह से ये हम लिख रहे हैं. सेकंड इज कामधेनु अवार्ड, KAMDHENU. ये जुनेजा जी आप इसको अभी आगे कंटिन्यू कीजिए, मैंने अभी आपका कमेंट देखा, आई थिंक वो जो आप बोल रहे हो वो थोड़ा पीछे रह गया है, पर आई एम होपिंग कि ये आपका इवेंचुअली करेक्ट हो गया होगा जो आप पूछना चाह रहे हो. स्टिल अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया तो अपना क्वेश्चन आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो या यहीं पे
थोड़ा डिटेल में लिख के बता दीजिए, मैं आई विल आंसर राइट अवे। तो इसमें ध्यान रखना है हमने कामधेनु अवार्ड्स, दिस इज फॉर बेस्ट मैनेज्ड इंडिजिनस हर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट्स, ये स्लैश डाल के लिख लो, इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट्स एनजीओस गौशालास और ब्रीडर्स सोसाइटी। इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता, मतलब ये कहने का मतलब ये है इसके अंदर। तो ये कैसे आएगा पीसीएस के अंदर या यूपीएससी के अंदर, मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है ये, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, है ना। अगर टफ बनाना हो तो हाउ मेनी, और अगर थोड़ा सा सिंपल रखना हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इस टाइप से आ सकता है। अगर बिल्कुल ही इसको सिंपल रखना हुआ अच्छा, आप ना उनके साथ बैठ जाइए ताकि आप शेयर कर लो डॉक्यूमेंट, क्योंकि एवरेज टाइम अभी 10 मिनट चल रहा है यहाँ पे। भैया आखिरी बार ले रहा हूँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाली, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने वाली, ये मेरे से नहीं हो रहा ये, ठीक है। तुम लोगों को रात को मैं अपलोड करके देता हूँ वहाँ पे, इनकी जान खाओ पहले, जो जो सबसे पहले आता, सबसे पहले आते ही उनको बोलो मेल चेक करो प्रिंट निकाल दो, ठीक है जी। हाँ, हेल्प मी आउट देयर। इसके अंदर एक है ई पशु हाथ या हार्ट, HAAT, ई डैश पशु हाट। हाट का मतलब ट्रेडिंग मार्केट होती है वैसे, हाँ, शॉप काइंड ऑफ। अब जिन बच्चों ने शॉप देखी है उनके लिए शॉप है ना। आपसे जो लेटेस्ट आएंगे वो कहेंगे व्हाट स्विगी, है ना, ऑनलाइन। बाय द वे ये वैसा ही है, इट इज अ वेब पोर्टल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन बोवाइन एनिमल्स, वेब पोर्टल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन बोवाइन एनिमल्स। ये आपको पीछे आवाज नहीं आ रही है या क्या, कुछ इशू है, क्लियर है आवाज, ठीक है। आप लोग पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि यूपीएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हो, ठीक। पीसीएससी करते हो सकता है मैं आपको अतरो चतरो बोल देता, पर मैं नहीं बोलूंगा आप लोग यूपीएससी की कर रहे हो, है ना, ठीक है, फोकस करो। अच्छा नहीं लगता यार, मतलब देर इज अ रीजन मैं स्कूल का टीचर क्यों नहीं बना, है ना, क्यों आई हैव चोजन दिस पाथ, कि मेरे को एटलीस्ट सेन माइंड्स मिले मेरे सामने, सेन समझते हो, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट इज इसके अंदर है गोकुल ग्राम्स, लास्ट करते हैं इसको गोकुल ग्राम्स, फिर आगे चलते हैं। दीज आर इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स, गोकुल ग्राम से कंफ्यूज नहीं होना कि शायद पूरे गांव को, है ना, ग्राम मीन्स गांव, तो ऐसा नहीं है। दीज आर नथिंग बट इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स। सो जो ये आप चीजें देखते हो ना कि हम काऊ यूरिन को एज पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर एनीथिंग एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू बोवाइन एनिमल्स, वो इन ग्राम से निकलता है। When we say कि हमने 40% नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स, नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब कि जिनकी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं बेसिकली, राइट, कि जिनकी कोई एक्चुअल ब्रीड नहीं है, अवारा काउस जो वो जिनकी वो वाली ब्रीड होती है, राइट, इंडी ब्रीड्स बेसिकली,
तो 40% जब हम उनको ब्रीड करना चाह रहे हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन 40% इनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो वो इन सेंटर्स में हो रहा है, राइट? सो ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा मतलब कुछ अलग ब्रीडिंग सेंटर्स भी हैं, देन वी हैव पशु संजीवनी, ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आप देख के समझ जाओगे पशु संजीवनी का क्या मतलब होगा, तुम्हें समझ में आएगा। ये जब चीज़ें हैं जिसमें आप कन्फ्यूज़ होगे, खासकर पहली दो चीज़ों में, जो पहले दो अवार्ड्स हैं गोपाल रत्न और कामधेनु अवार्ड, इन्हीं को इंटरचेंज करेंगे वो, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना है। किस टाइप के सवाल आते हैं इसमें, 2015 के अंदर इसका जो मेंस में सवाल आया था बच्चे, इसी सिमिलर टाइप के टॉपिक के ऊपर, वो कुछ ऐसा था कि लाइव स्टॉक रेयरिंग हैज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज, ठीक है? ऐसी स्टेटमेंट होती है, डिस्कस सजेस्टिंग सूटेबल मेजर्स टू प्रमोट दिस सेक्टर इन इंडिया, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर चीज़ हमने करी है गोकुल मिशन और ये वाला, ये पूरा पूरा इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर, राइट? और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम व्हेन वी आर सेइंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, और हम बता दें कि यार 8 करोड़ लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं डेयरिंग के अंदर, इसके अलावा वी हैव आपके पोल्ट्री फार्म्स और ये सब भी हैं, है ना? तो उसके बाद में यू कैन फॉर्म अ गुड आंसर इन दिस, थोड़े से फैक्ट्स डालकर ये सब, इस टाइप से सवाल आता है। और जो आपके प्रीलिम्स के अंदर 2012 में क्वेश्चन आया था, हालांकि मिक्स्ड फार्मिंग के ऊपर बाद में भी आता रहा है, सो इट वॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा भी होगा कि आपको चारों कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाएंगे एक चीज़ में, वो सवाल पूछा गया चीफ कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है ना ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश एंड फूड क्रॉप्स, मतलब ये नहीं है ना, अब समझ में आ रहा है? कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, एक ही बात हुई, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, नन ऑफ द अबव, क्या लगता है? हाँ, इट्स सी। अब ये देखने में मतलब ये क्वेश्चन ईजी है क्योंकि हमने राइट नाउ पढ़ा है इसको, है ना, कि अगर हम मिक्स फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा उससे भी समझ में आ रहा है, बट वेन यू आर अटेम्प्टिंग 99 अदर क्वेश्चंस, जिसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही, क्या वर्ड मैं यूज़ करूँ जो क्लास के लिए अप्रोप्रिएट हो, वाहियात तो बहुत ही वाहियात होंगे, छोड़ने लायक होंगे, उस समय पे आपको ऐसा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके अटेम्प्ट करना, दैट इज़ द टेक्निक, राइट? और ये एक सवाल अगर मैं आपको अभी लिखने को दूंगा, यू प्रोबेबली टेक 2 आवर्स 1 आवर्स, है ना, यू विल थिंक अबाउट इट, इधर उधर से वर्ड्स लेके आओगे, सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करोगे। नाउ जस्ट इमेजिन स्क्वीजिंग दैट इन 8 मिनट्स, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, सोचना है, फ्लो बनाना है, लिखना है, और बाद में अंडरलाइन भी करना है मेन मेन पॉइंट्स को, ताकि एग्जामिनर को ईजी हो जाए, उसको टॉर्च पकड़ा दो आपकी, वो जो ढूंढ रहा है उसको दिखा दो कि यहाँ यहाँ पढ़ा है, योर आंसर शुड बी ग्लोइंग इन दैट मैटर, राइट? और ये फेवरेट टॉपिक है ये प्राइमरी सेक्टर से, कोई भी जो टॉपिक आता है, राइट, तो वो फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी कमीशन का। चलिए चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट इज द यूपीएससी फेवरेट टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशंस कंबाइंड विद योर मैप वर्क। ये दो चीज़ें, ये पिछले 4-5 साल से यूपीएससी दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है इस पर, राइट? और पीसीएस में इसमें बहुत सिंपल सा टच आएगा क्योंकि इसमें रशिया इन्वॉल्व है, तो रशिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज, है ना, और मेजर वाटर बॉडीज और इस टाइप का कुछ सवाल बन सकता है, राइट? चलिए, क्यों ये न्यूज़ में आया है, क्योंकि अभी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इसका जो ये पोर्ट है विच इज़ मुरमंग्स पोर्ट, राइट, इसका 35% कार्गो है ना, वो इंडिया को बिलोंग करता है, तो इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हो गया, और मुरमंग्स पोर्ट जो है वो रिपोर्ट में आ गया है, न्यूज़ में आ गया है, राइट? थोड़ा सा पोर्ट के बारे में देख लेते हैं, देन वील गो टू दी मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स इन रशिया, लोकेटेड इन द कोला पेनिनसुला, राइट? सो हेयर इज द कोला पेनिनसुला, इस एरिया में जाके, ये टॉप में कोने में, दिस वन, यहाँ पे आप लिख लो कि कोला पेनिनसुला किन दो वाटर बॉडीज के बीच में, दिस इज वाइट सी एंड बेरेंट सी, यहीं लिख लो इसको। अगर ये सवाल आ गया तो ये बहुत टफ क्वेश्चंस में से माना जाएगा, बट तुम लोगों के लिए नहीं।
सो ये जो है इट इज द मेन सेंटर फॉर एक्सपोर्टिंग ऑयल एंड गैस, राइट, इसीलिए ये न्यूज में भी है. ठीक है जी. सो इट इज द मेन सेंटर, ये सेकंड पॉइंट में आपने देख लिखा हुआ है वहां पे मेन सेंटर. एक तो रशिया की आइस ब्रेकर फ्लीट्स, क्योंकि ऊपर के जो सीज हैं, राइट, वो जमी हुई हैं, दे आर नॉट नेविगेबल. गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे आइस ब्रेकर फ्लीट्स लगती हैं कि सामने आइस ब्रेकर जाता है, वो एक रोड बना देती है काइंड ऑफ समंदर के ऊपर, आपकी जो आइस शीट्स हैं उसको ब्रेक करते हुए, एंड देन द शिपमेंट गोज उसके पीछे पीछे, राइट. सो आइस ब्रेकिंग फ्लीट्स जो रशिया की हैं वो यहाँ पे पोजिशनड है मुरमंग पोर्ट पे, राइट. और ये कहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट रशियन आर्कटिक फील्ड्स. ऑलराइट, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है. एक दो चीजें और लिख लीजिए आप. पांच बजे वाली क्लास के लिए जल्दी आए हो. आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, है ना, एक एक्स्ट्रा है. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मुरमंग स्पोर्ट. आगे कंटिन्यू करते हैं इसको. There are four major oil leaving ports on western Russia. Four major oil leaving ports in western Russia. कौन कौन से हैं वो, लिख लीजिए नाम ब्रैकेट में. Four major oil leaving ports, मतलब oil export जहां से होता है, oil leaving ports in western Russia. मतलब वेस्टर्न रशिया में चार हैं, क्योंकि वहीं पे आर्कटिक फील्ड और ये सब कुछ है उनका, और ईस्ट के अंदर दो हैं. तो हम इनके चार के नाम भी लिखेंगे, इनके दो के नाम भी लिखेंगे, ठीक है जी. प्राइमोर्स्क, PRIMORSK, कॉमा उस्त लुगा UST-LUGA, then we have this one, Murmansk, last one is Novorossiysk, NOVORO, double S IYSK. ये ऐसा लग रहा है ना वो हैरी पॉटर में जब वो स्नेक से बात कर रहा होता है, है ना, देखिए. एंड टू मेन ईस्टर्न पोर्ट्स, ये इनको एज इट इज याद कर लेना. वो सवाल ऐसे आ सकता है कि वो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, बाकी सारे आपने सुन रखे होंगे, एक दो टेढ़े मेढ़े वो यहाँ से डालेगा, राइट. कॉजमिनो, KOZMINO, दूसरे के स्पेलिंग ही बोल देता हूं मैं. PRIGORO, DNOYE, क्या बोलेंगे इसको. हाँ बस ठीक है, तुम पंजाब वालों ललकारे मारने शुरू कर देना इस पे.
ठीक है जी, एक काम करें, यहाँ पे रशिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज यहीं लिख लें। कितनी बॉर्डरिंग कंट्रीज है रशिया की? इट्स अ ह्यूज कंट्री। हाउ मेनी कंट्रीज डज रशिया बॉर्डर? एनीवन? क्या काउंट करोगे क्या? इट्स मोर देन 10, इट्स मोर देन 13, इट्स 14। ठीक है, 14 कंट्रीज हैं रशिया बॉर्डर्स, 14 कंट्रीज। ये खुद करना चाहोगे क्या? लिखवा दूं? चलो मैं आपको उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखवा देता हूँ, ईस्ट वेस्ट आप खुद देख लेना, ठीक है? थोड़ा मैप वर्क के हिसाब से अल्फाबेटिकल में से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अजरबैजान, अजरबैजान कंट्री का नाम है, AZERBAIJAN। पंजाब से कम जाते हैं अजरबैजान लोग, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साउथ में जाओगे या मिडिल में जाओगे, मिडिल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत, अजरबैजान में काफ़ी लोग जो हैं वो काम करते हैं। सेम सिमिलर वर्क, अजरबैजान, बेलारूस, ए बी, देन सी चाइना, देन ई एस्टोनिया, फिनलैंड, ई एफ जी जॉर्जिया, के कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये के में माना जाएगा इसको, ठीक है? मतलब कोरिया, नॉर्थ कोरिया समझ लें, क्योंकि एल से अभी, लातविया, लिथुआनिया, एक उसके बिल्कुल नीचे जो कंट्री है जहाँ से हम लोगों ने भी बहुत सारे ट्रेड्स इनहेरिट करे हैं जेनेटिकली, मंगोलिया, देन वी हैव द कंट्री जहाँ से हम लोग अपना वेलफेयर मॉडल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं जिस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, नॉर्वे, द कंट्री जहां पे मैक्सिमम रिफ्यूजीज जा रहे हैं इन दिनों, पोलैंड, एंड लास्ट इज, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, विच कंट्री? यूक्रेन। ठीक है, यू मे मेक अ निमोनिक आउट ऑफ इट, है ना? और अगर किसी का कोई ढांसू सा निमोनिक बन गया तो शेयर इट विद मी ऑल्सो, अगर वो मजेदार हुआ तो फिर उसको हम आम जनता, आम प्रजा को दे देंगे, ठीक है? चलिए, सो क्यों ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो मुर्मंग स्पोर्ट इतना शायद न्यूज़ में ना, मतलब आपके उसमें पेपर के अंदर ना आए, बट एक रूट है जिसको बोला जाता है NSR, नीचे लिखा हुआ है आपके, नॉर्दर्न सी रूट, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू द स्वेज कैनाल रूट, ठीक है? जो कि आपके एशिया को आपके यूरोप से जोड़ता है। फन फैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान ही नहीं होता, सिर्फ ट्रेड का फायदा भी हो रहा है, क्योंकि उससे पहले ये वाला जो रूट था वो जमा हुआ होता था, नाउ बिकॉज आइस इज मेल्टिंग तो शिप्स जाएंगे वहां से, छोटा पड़ेगा रास्ता। क्यों छोटा पड़ेगा रास्ता? मतलब देखने में, बाय द वे इफ आई गिव यू द स्टैट इज दैट जो ये वाला रूट है इट इज 13,000 किलोमीटर्स, और जो स्वेज कैनाल वाला रूट है दैट इज 21,000 किलोमीटर्स, रीचिंग टू द सेम प्लेस फ्रॉम द सेम लोकेशन। सो दैट रूट इज शॉर्टर, दिस रूट इज लॉन्गर, और स्वेज कैनाल की फीस भी ज़्यादा होती है, और अभी पिछले साल यहाँ पे वो हमारे बड़े वाले साहब एवरग्रीन शिप वो फंस भी गई थी, है ना? और सडनली कमोडिटी की प्राइसेस वर्ल्ड ओवर इंक्रीज होने लगी थी, वन शिप गॉट स्टक इन स्वेज कैनाल एंड द वर्ल्ड रेस्टेड देयर एंड देन, है ना? तो वी आर इन अ नीड ऑफ ऑल्टरनेट रूट्स, सो NSR नॉर्दर्न सी रूट इज एन ऑल्टरनेटिव टू स्वेज कैनाल रूट, लिख लो साइड पे, NSR कनेक्ट्स यूरोप एंड एशिया, NSR के साइड में लिख लेना, इन जस्ट 13,000 किलोमीटर। मतलब अगर आप स्वेज कैनाल रूट से जाते हो सेम लोकेशन से, तो आपको लगभग एक महीने का टाइम लगता है, और यहाँ पे इट टेक्स लेस देन 2 वीक्स,
ये एक्चुअल स्टैट्स हैं कंपेयर टू 21,000 किलोमीटर्स कवर्ड बाय स्वेज कैनाल रूट. अगर किसी को नहीं पता स्वेज कैनाल कहां पे है या किसको कनेक्ट कर रही है, दिस इज द प्लेस. इट इज इन इजिप्ट, राइट, कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी. ठीक है, यहां पे है स्वेज कैनाल आपकी. Also, if we want to go to Canada side and अगर sea route से हमने जाना है तो अर्थ का curvature ऐसा है कि ships को ना बहुत छोटा पड़ता है route if they increase their latitudes नीचे को जाके, क्योंकि वहाँ पर अर्थ का circumference बहुत कम है ना. For example, this is the earth, right? यहाँ पर equator है, right? अगर ship को मान लो इस point से इस point पर जाना है तो rather than going straight, what they do is कि they come down, यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे और टेक्निकली इसके बिल्कुल नीचे होगा, देन दे गो अप. दिस इज शॉर्टर देन गोइंग स्ट्रेट, राइट. दिस इज आवर शिप्स नेविगेट, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, नीचे का जो सर्कमफ्रेंस होगा, यहाँ पे थोड़ा मतलब विजुलाइज करना मुश्किल है, तो जो लोग मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो लोग थोड़ा विजुलाइज करके समझना इसको कि शिप्स गो डाउन, थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे, देन दे टेक्निकली गो अप क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना. लॉन्गिट्यूड एक जगह मिल जाते हैं सारे. दिस इज आवर शिप्स नेविगेट, राइट. सो व्हेन वी वांट टू गो टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो हमारे लिए ये सही रूट है कि यहाँ पे छोटा सा पड़ेगा और यहीं कनाडा आ जाएगा, राइट. दैट इज वे दिस रूट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज वे जब भी आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कभी आंसर लिखो तो एक ये भी एंगल है उसके अंदर. गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड पॉइंट अगर आप इसका देखेंगे, this route includes the seas of Arctic Ocean. अब Arctic Ocean में कौन कौन सी seas हैं यहाँ पे mentioned है, इसको एक बार जो है आप map पे देख लेना कि east to west, west to east कि कौन सी कहाँ पे लगानी है ना. ये आपका थोड़ा सा क्या homework कहें इसको, आप लोग PGs वगैरह में रहते हो, हाँ तो PG work, तो दिस इज योर पीजी वर्क. ठीक है, तो ये देख लेना ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू इज बिकॉज कि जब आप मैप देखोगे आपको पांच सात चीज़ें और दिखेंगी वहाँ पे कि कौन सी नदी है उस एरिया में, है ना. और यहीं से सवाल आता है एग्जामिनर और कहाँ से ही डाल लेगा, यहीं से देखते हैं वो लोग. उस सी की जहाँ पे हम आइस ब्रेकर्स यूज करते हैं, मतलब ये 5600 किलोमीटर्स इज द पोर्शन ऑफ NSR विच इज इन द आर्कटिक रीजन. दैट इज वाई इट इज चैलेंजिंग, जमा हुआ होता है वो, तो वी नीड आइस ब्रेकर्स. दैट इज वाई नेक्स्ट पे लिखा भी हुआ है दैट आइस, लास्ट पॉइंट, आइस ब्रेकिंग देयर फॉर एज्यूम्स इंपॉर्टेंस एज अ स्मॉल एक्सरसाइज. लेट्स डू इट राइट नाउ. NSR दूसरे रूट से, विच इज द एग्जिस्टिंग रूट ऑफ स्वेज कैनाल रूट, उससे ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है? हाउ विल इट बेनिफिट? थोड़ा सोचो. और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, कैसे? हाँ, फ्यूल, टाइम. When we say, हाँ जी, जैसे जो भी उसको कैरी कर रहे होंगे, मैन पावर भी होगी, उस मैन पावर को उसका पालन पोषण में भी कम जाएगा, जैसे राशन का खर्चा, ये सब चीज़ें भी कम. परफेक्ट. अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा देर के लिए ऑपरेट कर रहे हो तो आपने बंदे भी रखे हुए हैं, उनकी फीस भी लगेगी, सब कुछ है ना. तो when we say we are saving time, that includes everything, राइट. तो अगर आप कभी आंसर लिखो इसके ऊपर तो आप टाइम लिख के मेंशन कर सकते हो. टाइम इंक्लूड्स फ्यूल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट,
वेटिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के वहाँ पे। सेकंड क्या इसके अंदर एडवांटेज है, इज़ दैट कि स्वेज कैनाल क्योंकि नैरो स्ट्रिप है वाटर की, तो यहाँ पे क्यूइंग बहुत ज़्यादा है, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे सेविंग होगी आपकी। मतलब यस बिल्कुल। एक और चीज़ देखो, अगर स्वेज कैनाल यहाँ पे है इस एरिया में, एक और बड़ी खास प्रॉब्लम है, क्या है वो सोचो जरा। इस एरिया में जब शिप निकलती है तो एक बड़ा खास पंगा होता है इधर, एक पायरेसी पायरेट्स है ना, तो यहाँ वो कोई चक्कर नहीं है, है ना, तो देर इज़ नो रिस्क ऑफ पायरेट अटैक। तो ये तीन पॉइंट्स इसमें मेजर बनते हैं। टाइम सेविंग, जिसका मतलब है फ्यूल सेविंग, लेबर कॉस्ट सेविंग, और शिप्स अपनी नहीं होती हैं उनकी कंपनीज की, वो चार्टर करती हैं शिप्स को, है ना। जैसे कई बार आप अगर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखेंगी, और अगर आप 11 सेक्टर में जाओगे वो गाड़ियाँ आपको 3,000 रुपये पर डे पे गेड़ी मारने के लिए मिल जाती है, तो लोग चार्टर करते हैं। वैसे ये वाली शिप्स जो हैं वो चार्टर करते हैं। आपको दो दो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी अभी इन वन स्टेटमेंट, है ना। चलिए, तो आपकी उसकी कॉस्ट बचेगी, है ना, अगर आप वो बोलेंगे कि आपको गेड़ी लगा के पीयू में गाड़ी वो वापस करनी है आपको, है ना, 2 घंटे में करनी है, कॉस्ट कम दे दो, उनका काम तो 15 मिनट का ही होता है, राइट। सो आपकी कॉस्ट सेविंग होती है इसके अंदर, समझ रहे पॉइंट को। नो लॉन्ग क्यूज लाइक स्वेज कैनाल, नो रिस्क ऑफ पायरेट अटैक। और वेन वी से नो रिस्क ऑफ पायरेट अटैक, मतलब हम अपनी नेवी को भी वहां से हटा सकते हैं, कोस्ट गार्ड्स और इन सब की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ऑल्सो राइट वन मोर थिंग, क्या बताइए आ जाए, ये बैरेंट सी है ना, सो बैरेंट सी इट इज डिवाइडेड बिटवीन कंप्लीटली डिवाइड, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड किया हुआ है बिटवीन रशिया एंड नॉर्वे, डिफाइंड बाय यूएन क्लॉज, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, लॉ ऑफ सी। बैरेंट सी इज डिवाइडेड बिटवीन रशिया एंड नॉर्वे, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको साथ साथ ही याद कर लेना। ठीक है, चले आगे। एक कोई हल्का टॉपिक कर ले, दो हैवी से हो गए। ऑलराइट, कम टू दिस सिक्स्थ वन, एंड अभी जो लोग आई थिंक यूट्यूब वगैरह पे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, यू कैन फाइंड द डॉक्यूमेंट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, है ना, तो हम उस डॉक्यूमेंट से इसको कवर कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 6 पे 6 टॉपिक है, कम टू दैट। स्पॉन्ज सिटीज, स्पॉन्ज सिटीज नाम से क्लियर हो रहा है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देर आर सर्टेन टेक्निक्स जिसमें हम पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सिटी के अंदर ही, राइट, ताकि फ्लडिंग ना हो। अभी हमारी फ्लडिंग का जो मेजर कारण है, अदर देन क्लाइमेट चेंज, अदर देन कि इट इज़ एक्चुअली रेनिंग मोर, इज दैट कि हमने पानी को परकलेट होने की जगह छोड़ी ही नहीं, एवरीवेयर इट इज़ पेवमेंट, और जब पेवमेंट के बाद में ड्रेनेज है, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद में जो पानी है वो सरफेस पे ही रहेगा, इट कैन नॉट परकुलेट। तो 3-4 मेथड्स हैं, है ना, इसको करने के लिए। एक ही है कि आप डेजिग्नेटेड प्लेस पे पानी ले जाके छोड़ दीजिए ड्रेन्स के थ्रू ओपन एरिया में, राइट, जैसे हमने एक हमने वाटर बॉडी सेंसस किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जस्ट टू नो कि कितनी वाटर बॉडीज हैं कहाँ पे, जहाँ पे कौन सी स्टेट नंबर वन पे थी, एक स्टेट नंबर वन पे थी उस सर्वे के हिसाब से, जो कि हमारे लिए बहुत अजीब थी कि ये नंबर वन पे क्यों है। एनीवे, सोचते रहना इसके ऊपर। तो एक तरीका तो ये है कि हम वाटर बॉडीज़ को रिजुबिनेट कर देंगे, राइट।
दूसरा वी मेक पेवमेंट्स इन सच अ वे कि उसमें परकुलेट हो जाए, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं, है ना, इस टाइप की चीज़ें हैं जो हम सॉल्यूशन के अंदर कर रहे हैं। सो चाइना ने स्पॉन्ज सिटी, 6 स्पॉन्ज सिटीज बनाई थी, डिस्पाइट दैट इट गॉट हिट बाय फ्लड्स, राइट, डेवेस्टेटिंग फ्लड्स। वहाँ पे भी यही सीन चल रहा है जो यहाँ पे चल रहा है, राइट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटीज, कहाँ है, क्या है, कैसे, हमको कोई लेना देना नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटीज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट सर्विसेज हैं वो भी इसी के थ्रू जाती हैं, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका इसका सिलेबस का एक बहुत मेजर पार्ट है। तो स्पॉन्ज सिटीज के ऊपर डायरेक्ट सवाल आपके प्री और मेन्स दोनों में आ सकता है, मेन्स में डायरेक्ट ना आए पर यू कैन यूज इट समहाउ, राइट। चलिए क्या चीज है फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, सो इट इज अ न्यू अर्बन कंस्ट्रक्शन मॉडल फॉर फ्लड मैनेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। मतलब कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम अपने आप को भी बचा लेंगे, साथ साथ में एक्विफर्स, ग्राउंड जिसको वाटर टेबल कहा जाता है, वो भी रिफिल हो जाएगा, है ना। तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है। सेकंड के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर कि इट कैन एलिवेट, मतलब रिमूव अर्बन फ्लडिंग, वाटर रिसोर्स शॉर्टेज ऑब्वियसली, है ना, वो पानी अभी फ्लडिंग में है, एक समय ऐसा आता है जब पानी होता ही नहीं है, सो वी कैन यूज इट, एंड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड समझते हो, जो हमारा कॉन्क्रीट है इट रिलीजेज हीट स्लोली, ये एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन फिर धीरे 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 हीट रिलीज करता रहता है। सो इवन इफ देर इज नाइट, वट वी मीन बाय नाइट इज दैट देर इज नो न्यू एडिशन ऑफ हीट, सन अब हीट ऐड नहीं कर रहा है, स्टिल द सिटी इज वार्म। आपने कभी नोटिस किया होगा सर्दियों में कि आप जैसे ही शहर से बाहर होते हो तो वहाँ बहुत धुंध होती है, द मोमेंट यू एंटर द सिटी धुंध एकदम से कम हो जाती है। क्यों हो रही है वो धुंध कम, वेजिटेशन इज वन पार्ट, अदर देन दैट इज द हीट आइलैंड इफेक्ट, क्योंकि आपकी सिटीज गर्म है, राइट। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रात को रूम में जाके एयर कंडीशनिंग अगर फॉर एग्जाम्पल ऑन कर रहे हो, है ना, एक समय के बाद में वी सी दैट बाहर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, स्टिल द कंप्रेसर इज ऑन, वाई, बिकॉज योर हीट, योर वॉल्स आर रेडिएटिंग हीट, राइट, दिस इज हीट आइलैंड इफेक्ट, राइट। तो उसको टैकल करने में भी हेल्प करेगा, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम, है ना, एंड इट्स अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। व्हाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, क्यों इसको मेंशन किया हुआ है, अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे उस पे, पेज नंबर 7 टॉप पे सवाल डायरेक्टली आ सकता है दैट स्पॉन्ज सिटीज इज अ नेचर बेस्ड कॉन्सेप्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे चार ऑप्शन आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटीज। तो आप सोच सकते हो कि यार वो तो पेवमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, नेचर बेस्ड कैसे हुआ, इट्स अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। नेचर ने हमें बताया है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे होता है, राइट, तो हम उसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमने ऐसी पेवमेंट बना दी जिसमें वाटर परकुलेट हो जाता है। बाय द वे, इफ वाटर परकुलेट्स इन योर पेवमेंट्स एंड रोड्स, तो रोड्स खराब भी नहीं होंगी, राइट। अभी मेजर कारण रोड्स खराब होने का, बारिश में क्यों रोड खराब होती है, क्या होता है ऐसा, जो एसफॉल्ट है वो फूल जाता है, राइट, और उसके बाद डिसइंटीग्रेट होता है, है ना, और अगर वाटर परकुलेट कर जाएगा, है ना, तो मतलब इट वॉन्ट बी, वो फूलेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, राइट, दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन इट इज। एक साइड पे कुछ एक लाइन लिख लीजिए, इन इंडिया चेन्नई मुंबई एंड कोची आर करेंटली डेवलपिंग अ स्पॉन्ज सिटी रोड मैप। और पेज नंबर 7 पे जो लास्ट पॉइंट है,
उसके अंदर जो सॉल्यूशंस हैं वो उसके उसकी एक लिस्ट दी हुई है. लेट अस रीड दैट. यूज ऑफ परमिएबल एसफॉल्ट, मतलब जिसमें वाटर इट इज परमिटेड टू पास, परमिएबल एसफॉल्ट. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कनाल्स एंड पॉन्ड्स, रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द अर्बन एनवायरमेंट. ठीक है जी, सिंपल इनफ. चलिए लेट्स मूव ऑन. As we speak now, so our neighboring state Himachal Pradesh, it is being devastated by flash floods, landslides and all, right? It is not only Himachal but the Himalayan region itself, hai na, pure Himalayan region mein aisa hi chal raha hai. Now we have to understand ki landslide hoti kya hai, hai na, right? Is type ki cheez, landslide kya hoti hai and what can be the causes behind it, not aise पर्टिकुलर कॉजेज नहीं, विल राइट दी हेडिंग्स ऑफ दैट, है ना, कि किस किस पैरामीटर में उसको डिवाइड किया जा सकता है, किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, राइट. चलिए इसमें जो एक एक स्पेशल उसके अंदर ऐड किया गया आपके लिए, दैट इज फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के नीचे है, दैट अकॉर्डिंग टू इसरोज लैंडस्लाइड एटलेस ऑफ इंडिया. क्या सवाल बनेगा इसके ऊपर, कि लैंडस्लाइड एटलेस ऑफ इंडिया इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसरो, है ना, एनजीटी, इस टाइप के ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, है ना. तो इसरो का है ये लैंडस्लाइड एटलेस ऑफ इंडिया, राइट. ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं दे रहा है, तो जिन जिन चीज़ों से कन्फ्यूज हो सकते हैं ध्यान में रखना, इसरो देता है. ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स, है ना. ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसरो देता है. ठीक है जी, क्लियर. क्या होती है जी लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप. ठीक है, ये लैंडस्लाइड है. कहने का मतलब, नेक्स्ट में क्लियर है, उसके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉयल एंड रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है जी, तो लैंडस्लाइड इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो ये आपका आंसर बनेगा वहां पे, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को. लैंडस्लाइड आर कॉज ड्यू टू 3 मेजर फैक्टर्स, जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड ह्यूमन एक्टिविटी. ये लिख लें, लिखना कहीं पे, जियोलॉजी रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल. तो बेसिकली लैंड, आप कुछ भी अभी जो नेक्स्ट चीज आप लिखने वाले हो आपको क्लियर हो जाएगा कि लैंडस्लाइड जो जो फैक्टर्स आपके दिमाग में आ रहे थे वो यही 3 फैक्टर्स हैं. ठीक है जी, जियोलॉजी रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल. मटेरियल ऑफ व्हाट? आपके पहाड़, है ना. कैसे? द जो अर्थ है उसके नीचे इट माइट बी वीक, रॉक माइट बी वीक, है ना, लिक्विफेक्शन हो रखी है वहां पे, सॉइल लिक्विफाइड हो रही है, थोड़ी क्लेई फॉर्म में जा रही है ना. एवरीथिंग फॉर्म्स अंडर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, जियोलॉजी. नाउ नेक्स्ट वी हैव मॉर्फोलॉजी, रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड. स्ट्रक्चर ऑफ लैंड मतलब कि बेसिकली स्लोप्स, ग्रेडियंट्स. मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जियोलॉजी. उसकी क्या फॉर्म है, क्या स्ट्रक्चर है? दैट इज मॉर्फोलॉजी. लास्ट इज द ह्यूमन एक्टिविटी विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन. दो ही चीजें हैं.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द हिमालयन रीजन, ये जो चीजें हमने बताई हैं अबाउट लैंडस्लाइड, इट इज ट्रू एवरीवेयर इंक्लूडिंग मार्स. ठीक है, ये साइंटिफिक है, दिस इज फिजिकल इन नेचर, फिजिक्स के लॉज हैं ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं. राइट, मार्स के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब नहीं कर सकते, नाउ वी हैव फुटप्रिंट, ह्यूमन फुटप्रिंट है मार्स पे. राइट, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन, वर्ल्ड्स न्यूएस्ट माउंटेन्स है ना, नए हैं, बन रहे हैं अभी, दैट इज वाई जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? कि रिवर्स के अंदर जो ग्रेडियंट है वो बहुत हाई होता है, दैट इज़ वाई आप देखोगे गंगा रिवर है, आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ऋषिकेश के अंदर राफ्टिंग हो रही है, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, रिवर इज़ फ्लोइंग फास्टर. जैसे ही वो आपके हरिद्वार तक पहुँचती है, रिवर चौड़ी हो रही है, फैल जा रही है ना, रिवर कोर्स चेंज करती है अपना. जैसे अभी हमने देखने को मिला था अभी जब मनाली में फ्लैश फ्लड्स आई थी अराउंड 2 weeks बैक, तो जो दैट ग्रीन टोल बैरियर है ना जहाँ पे वो है, तो नदी ने कोर्स ही शिफ्ट करके वो बैरियर से ही आने लग गई. तो दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालयन रिवर्स कि उनका कोर्स अभी फिक्स नहीं है, दे आर फाइंडिंग इट्स वे, अनलाइक द सदरन रिवर्स जिनका बिल्कुल फिक्स है कि नदी यहीं बहेगी, इनका फिक्स नहीं है. थोड़ी सी बारिश होती है, रॉक एंड डेबरी आती है, नदी अपना कोर्स चेंज कर लेती है, नाउ अब नदी ये नहीं, अब मैं यहाँ से बहूंगी. ठीक है जी, ऐसा होता है, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक है ना ऑफ न्यू माउंटेन्स. ये जहाँ पे भी नए माउंटेन्स बने हैं वहाँ पे ये वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं, हिमालयाज आर वर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स है ना, एंड आर स्टिल ग्रोइंग एंड गेनिंग हाइट. जो नीचे हमारी यूरेशियन प्लेट है और आपकी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट इज पुशिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, दैट इज वाई द माउंटेन्स आर दे आर ग्रोइंग अपवर्ड्स. राइट, सो उससे क्या होगा? टेक्टोनिक मूवमेंट. राइट, और उससे क्या होगा? अर्थक्वेक्स और आपकी अनस्टेबल माउंटेन्स की बन रहे हैं अभी तो है ना, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन. माउंटेन्स आर ऑल्सो, माउंटेन्स इट सेल्फ आर अंडर कंस्ट्रक्शन, अनस्टेबल होता है इफ समथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन. देन वी हैव मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर कि हिमालयन रीजन में क्यों हो रहा है. बाय द वे दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हिमाचल प्रदेश, हिमालयन रीजन की बात हो रही है. ठीक है, आपका पूरा नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का जो बैंड बनता है, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट से आपका नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा बैंड बनता है, राइट, और लास्ट में जाके नीचे है ना, आपको पता ना हिमालय की शेप कैसी है? राइट, इट्स लाइक दिस कि यहाँ से आ रही फिर ऊपर फिर नीचे, दिस इज हाउ द हिमालयाज आर. ये सारी जगह की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है जी, देन वी हैव इंटेंस रेनफॉल हिमालयन रीजन में, बिकॉज दिस इज द रीजन जो कि पिछले हाईलैंड्स को आगे वालों से सेपरेट कर रहा है, एंड व्हेन द मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स अराइव दे गेन हाइट, राइट, और फिर बरस जाती हैं. जैसे आप हाइट गेन करोगे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, राइट, एंड एयर सेचुरेट होती है, एंड यू हैव इंटेंस हैवी रेनफॉल्स इन एडिशन टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. उधर से भी यही काम हो रहा है. देन वी हैव डिफॉरेस्टेशन है ना, ये एंथ्रोपोजेनिक में आ गया. अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इको टूरिज्म. लास्ट इज लैक ऑफ एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय हिमालयन स्टेट. क्या मतलब है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय हिमालयन स्टेट से? कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहा होगा ये? क्या नहीं कर रहा हिमाचल या हिमालयन स्टेट्स? सोचो, हमारे लिए मुद्दा क्यों है ये? हम लोग क्यों इतने घबराए घबराए फिर रहे हैं इस पूरे टॉपिक पे? इट्स बिकॉज देर इज अ लॉस ऑफ लाइफ है ना. जब हम लोग ऐसी न्यूज़ देखते हैं ना कि 70 पीपल डाइड इन लास्ट 70 आवर्स, इस टाइप की कोई चीज़ आती है, सो हमारे इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं एज ह्यूमन स्पीशीज. हमें अच्छा नहीं लगता है ये चीज़, राइट. टू टैकल दैट हमारे पास में EWS है बहुत टाइप के, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ये इन प्लेस नहीं है हिमाचल में, राइट. लिख सकते हैं इसको आप. अभी थोड़े टाइम में केस स्टडी निकलेगी भी बाहर, कांगड़ा के अंदर EWS है सिस्टम ना, और ठीक से काम भी करता है. फ्लड्स में ही नहीं किया, जब एक्चुअली चाहिए था तभी नहीं किया. इससे अलावा आप लोगों को भी शायद कभी कभी मैसेज आ जाता होगा कि थंडर स्टॉर्म्स हैं, अंदर चले जाओ,
है ना, हाउ एवर दे आर नॉट एक्यूरेट, बट अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे पहले ही आपको डर लगा हुआ है कि कुछ होने वाला है, वहाँ पे सच काइंड ऑफ थिंग इट मेक्स यू विजिलेंट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट? सो लिख सकते हैं आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. क्या मतलब है इस आखिरी पॉइंट का, अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट अलर्ट पीपल टू इम्पेंडिंग लैंडस्लाइड्स. इम्पेंडिंग मतलब मंडराती हुई. और यहाँ पे एक और पॉइंट था बिल्कुल इसके ऊपर वाला, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इको टूरिज्म. इसको समझते हो पूरी तरह आप? अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट सस्टेन नहीं की जा सकती, एंड इको टूरिज्म, ये प्रॉब्लम कैसे है, इसमें क्या हो रहा है इसको एनेबल करने के लिए? पिछले 10 साल में ना वी आर ऑन अ स्प्री ऑफ रोड वाइडनिंग, 10 साल में हो रहा है ये, है ना, और उसके बाद से आपको ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज पे होती हुई दिखेंगी, राइट? यू कैन राइट डाउन, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे है कि व्हाट डज इट मीन फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना, आप लोगों के समझने के लिए. आप लोगों का समझना क्यों जरूरी है ये? नंबर वन तो आपने पेपर निकालना है ना, आपका पर्सनल लालच है इसके अंदर, पेपर निकालोगे सलूट बजेंगे, है ना. अदरवाइज अगर कोई एक्चुअली सीरियस है इस पूरी चीज़ को लेके, जो आप कर रहे हो, है ना, अपना टाइम लगाते फिर रहे हो, हाँ हाँ जहाँ पे आप टाइम लगा रहे हो, राइट, दीज आर दी थिंग्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग. अगर आपको पता होगा तो आपका जो जूनियर है वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, आपकी मर्जी के बिना कोई पैसा नहीं खा पाएगा. समझ रहे हो कि आपको कुछ भी बोल के अगर आपको बीच में कट चाहिए, है ना, कितनी जल्दी मुस्कुराए हैं, तभी उन्होंने एथिक्स का पेपर रखा हुआ तुम जैसे लोगों के लिए. ऑलराइट, क्या बात कर रहे थे हम, लेट्स टॉक अबाउट मेजर्स, है ना, कि हम कर क्या सकते हैं इसके ऊपर, इको टूरिज्म के ऊपर लिख लिया हमने कुछ, अच्छा लिख लीजिए. इन द पास्ट 10 ईयर्स ये हम इको, हाँ सेम पॉइंट, अनस्टेबल डेवलपमेंट एंड इको टूरिज्म, ये वो है इंटरलिंक्ड है, हाँ इंडिपेंडेंट नहीं है. वो लोग रह रहे थे सालों साल से, उनको नहीं चाहिए. पहाड़ियों की लाइफ पता है ना, वन टास्क वन डे, आज नीचे जाके आटा लेके आना है बस, तो सारे घर का सारा माहौल उसके अराउंड घूमता है कि वो जाने वाले हैं, उनको चाय बना के दे दो, उनको खाना दे दो, वो नीचे पहाड़ उतरेंगे धीरे धीरे टुमक ढुमक करते हुए, फिर वो वापस आएंगे, फिर पिताजी वापस आ गए हैं, अब इनको फिर चाय पानी दे दो. दिस इज़ हाउ द, और ये डिमांड करते हैं, अगर आप लोग भी एक दो हफ्ते भी हिमाचल में रहोगे जाके किसी पर्टिकुलर गांव में, आप हो जाओगे अडेप्ट, यू विल बी अडेप्ट बिफोर यू नो, यू विल बी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द सन. क्योंकि 3 बजे अगर सूरज छिप गया पहाड़ी के पीछे, आपको लगेगी ठंड, तो आप नहीं जाओगे बाहर अगले दिन, क्योंकि आपका सामान खत्म हो रहा है, तो आप जाओगे सुबह जब सारे जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन. इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है क्या करना है. अभी भी हम एनेबल इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास व्हीकल्स हैं, यहाँ पे अलग किस्म की डेवलपमेंट है इधर. एनीवे लेट्स राइट, इन द पास्ट 10 ईयर्स नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड ऑफ विच 5 are 4 laned. एक जो और रिसर्च निकल के आई है, व्हेन दे आर प्लानिंग द रोड्स एंड ऑल, स्लोप स्टेबिलिटी को एज अ फैक्टर नहीं रखा हुआ है कि जिसके ऊपर आप बना रहे हो वो स्लोप अपने आप में स्टेबल है या नहीं, राइट? तो इस वजह से हमको देखने को मिला है कि हमारे हाईवेज बह पूरे पूरे बह रहे हैं, राइट?
कुछ हमारे मतलब जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देवी देवता ये माता वगैरह ये सारे हैं भी पहाड़ों में। तो इको टूरिज़्म के अलावा रिलीजियस टूरिज़्म बहुत है ना, और इस टाइप की चीज़ें भी जो जब वैन वी राइट अबाउट इको टूरिज़्म तो उसमें ये एक फैक्टर जो है वो मिसिंग हो जाता है। तो जस्ट टू आपके दिमाग में डालने के लिए, कल परसों वो नैना देवी की वो वीडियोज़ निकल आ रही थी है ना, तो रिलीजियस टूरिज़्म भी उसका पार्ट है। मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं टू टैकल इट स्टेट में, जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं के मेजर्स दे दो ना, कितना आसान तो है ये। क्या क्या फैक्टर्स रखने चाहिए बीच में? हाँ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये कच्ची पहाड़ियाँ नहीं समझ आएगा उनको, ठीक है पका लो उनको। टूरिज्म का नंबर लिमिटेड कर सकते हैं, ग्रेट सजेशन, पास बेस्ड कर दो है ना, हाँ कुछ इस टाइप का, ये हैं सॉल्यूशंस जो कि आउट देयर नहीं है। हालांकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बट वी हैव प्लेसेस जहाँ पे पासिस कंपलसरी हैं, वी हैव ILPs जहाँ पे हम इनर लाइन परमिट है ना, हम देर आर प्लेसेस इंडिया में इस टाइप के सॉल्यूशंस है ना, जब आपका PCS या UPSC का आंसर चेक होगा वो आप से जानना चाह रहे होते हैं, तो आप पर्सनल टच दे सकते हैं इसमें। हाँ जी, और परमिट्स को हम स्ट्रिंजेंट परमिट्स कर दे है ना, वही मतलब परमिट्स को नहीं देना चाहिए, सरकार परमिट दे रही है तो ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन से बाहर निकलो थोड़ा सा, और क्या है ह्यूमन एक्टिविटी, और क्या कर रही है एफॉरेस्टेशन, ये कैसे भूल गए एफॉरेस्टेशन, और यस इंडिजिनस नॉलेज को कभी नहीं बीट कर सकते आप, जिस गांव से आप बिलोंग करते हो उसको आपसे बेटर बाहर का बंदा नहीं जान सकता, दैट इज़ वाई इंडियन ब्यूरोक्रेसी फेल्स, क्योंकि वो लोकल नहीं होता बंदा, उसे पता ही नहीं है लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में, उसको किताब पता है, उसको रूल्स पता है, दैट इज़ वाई वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ रेड टेपिज्म, उसको कंसर्न ही नहीं है आपके एरिया से, तो वो यही कहेगा जाके वो इसको फाइल दे दो उसको फाइल दे दो, आप भी यही करने वाले हो क्योंकि यू आर नॉट कंसर्न विद द पीपल, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द पीपल है ना, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, सही है। टेरेस फार्मिंग उसको प्रमोट करना चाहिए है ना, और जो वो बात कर रहे थे कि जो हाई ग्रेडियंट वाली स्लोप्स हैं राइट, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर को प्रमोट ना करें, वैलीज़ के अंदर करें, ठीक है, बिकॉज अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है तो झूम कल्टीवेशन होती है, अगेन आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट द हिमाचल बट द हिमालयन रीजन, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ झूम कल्टीवेशन होती है, झूम कल्टीवेशन समझते हो, क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड देन डूइंग द एग्रीकल्चर, पेड़ काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर कर देते हैं राइट, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टेरिस फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए, यहाँ पे स्लोप्स पे नहीं वैलीज़ के अंदर एग्रीकल्चर प्रमोट होनी चाहिए राइट, सो सच काइंड ऑफ सोल्यूशन, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में आप लोगों ने लिख लिया होगा एक साथ साथ है ना, ठीक है। सो लेट्स राइट अ मेन्स क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ओनली, राइट इट डाउन, कैटेस्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड्स, कैटेस्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, कॉज अ ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप, ये मजा आएगा आपको लिखने में। क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रोल ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स
वीजा वी वी आई एस स्पेस ए स्पेस वी आई एस वीजा वी नेचर्स फ्यूरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिमालयन रीजन. वीजावी का मतलब होता है इन रिलेशन टू, इन रिगार्ड्स टू. ये बंसल सर के थ्रू आया क्वेश्चन बाय द वे. ठीक है, तो उनको जब मैंने बताया कि तुम लोग ठीक ठाक आंसर लिख रहे हो तो उन्होंने हीट बढ़ा दिए. ठीक है, अब थोड़ी ज़्यादा आंच पे पकोगे आप लोग. ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.